हाँ जी, मैं भी कुछ सोशल मीडिया में देखे जहाँ तक जो लाइव कर रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं एक बार जाके देखते हैं। तो मैं अभी स्पोर्ट में आया हुआ है, तो यहाँ आके मैं बेंगलोर से जो बिजनेस कम्युनिटी से मैं बात की, औरत लोग से, महिला लोग से मैं बातचीत की, पूछा कि ये क्या हरकत हुआ, क्यों हरकत हुआ। इन लोग का जो कहना है कि ये कल सम जो डीसी कैपिटल नोटिस दिया था और आज सुबह आके तोड़ दिया, किसी को ना पता, और इन लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये तोड़ेगा, एविक्शन होगा। तो इसका बात लेके मैंने कुछ कोर्ट का जो नोटिफाइड जो मैंने जो अभी जस्ट पढ़ा है, ये कोर्ट जो कहता है कि यहाँ जो वेंडर जो महिला लोग जो सब्जियाँ जो बिक्री करते हैं यहाँ कर सकते हैं, क्लियर कट लिखा है। सर, क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर है? यह हाई कोर्ट का है। ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन आके यहाँ पे तोड़ के चला गया, उन लोग किसका ऑर्डर को चल रहा है? ये कोर्ट का बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्यों तोड़ा है, किस लिए तोड़ा, ये नहीं कहेगा। लेकिन मेरा एक जो जहाँ तक जो हमारा देश का जो संविधान, जहाँ तक जो सिस्टम है ना, वो सबको पता है। आप अगर किसी को एविक्शन करना, किसी को तोड़ना, एटलीस्ट आप 7 डेज का अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए, 10 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए। उस दिन अंदर में आप वैकेंट हो जाओ, वो एक प्रक्रिया होता है, क्रिटेरिया होता है, सिस्टम होता है। तो हम तो यहाँ आके खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? ये लोग महिला लोग बैठा हुआ है, रोज रहती है, दिन को 100 रुपया कमाने, यहाँ से कमा के पेट चलने वाला, यहाँ के कमा के अपना बच्चा पढ़ाने वाला। इवन कोई लोग तो बता रहा है ना, लोन 10-10 हज़ार लोन रुपया दिया है, उस लोन लेके यहाँ शुरू किया बोलता है। ये एक्चुअली सरकार को पता चलना है, गरीब लोग कितना तकलीफ है। 2 साल तो गुजरा है कोविड का कारण, जैसे तैसे तो चल रहा है। हम ये नहीं कर रहा है कि ये क्यों तोड़ा है, किस लिए तोड़ा है। डीसी का जो या जो कहना था कि ये राइट ऑफ वे, मैं कुछ पढ़ा है, ये राइट ऑफ वे, इसका कारण से इसको तोड़ना है। अगर इसको तोड़ता, यहाँ दुनिया भर का बिल्डिंग है, अब तोड़ सकेंगे? आगे में हमारे यहाँ मंडरी है, तोड़ सकेंगे? नहीं सकेगा। जिसको आप अंदर माइन जो कहते हैं ना, जिसको जो छोटा छोटा लोग को टारगेट करके काम मत कीजिए सरकार, छोटा बिजनेस का काम कर रहा है उसको टारगेट लेके मत कीजिए। हम ये आज बोल रहे हैं, ये महिला है, महिला को हमारा देश में बहुत इज्जत देता है, हमारा पार्टी इज्जत देता है, महिला को लोग को इज्जत देना है। बच्चों लोग, ये लोग कितना तकलीफ करके कर रहा है आप देख सकते हैं। देखिए, ये लोग को, महिला लोग को अगर संविधान में अगर इज्जत नहीं देगा, हमारा देश अगर महिला लोग को इज्जत नहीं देगा, तो सरकार क्या चलाएगा? सरकार भुस्ता लगा के भागना पड़ेगा। ये सरकार सुनो, ये तोड़ा है, आप सिस्टम में तोड़ो ना। अब 7 दिन का अल्टीमेटम दीजिए, 10 दिन का दीजिए, उसके बाद इन लोग सोचेगा। और अभी आप रीएलोकेट करने का मैंने बात चल रहा है, शर्म नहीं है रीएलोकेट? आगे दिखाओ ना जगह, रीएलोटमेंट का आगे जगह दिखाओ, इन लोग को सुरक्षा से मैंने सही ढंग से इन लोग को ले जाइए ना। कभी कभी शर्म लगता है, ये तालो पुतम नहीं कर रहा है, ये पेमा खांडू कर रहा है ना, हमारा महिला को मालूम नहीं है, ये होम मिनिस्टर कर रहा है ये चीज़, ये तालो पुतम नहीं कर रहा है। क्योंकि कोर्ट को क्यों, ये काउंटी में कोर्ट जल चला जाएगी, जो कोर्ट बोलता है चलाओ, फिर या कैपिटल डीसी बोलता है मत चला, तो किसका नुकसान किसका है? ये घर बनाया किसका नुकसान है? अंदर में कितना पड़ा हुआ चीज़, कितना नुकसान हो गया गरीब लोग का। जो कोर्ट बोलता है चलाओ, डिप्टी कमिश्नर बोलता है मत चलाओ, ऐसे कैसे होगा? ये सरकार कुछ एकदम पॉलिसी से वाला नहीं है, स्ट्रेटजी वाला नहीं है, ये हम बोले। और जल्दी से जल्दी इन लोग को यहाँ ही एक नया घर बना दीजिए, सरकार नया घर बना दीजिए, इन लोग को चलने दो, क्यों ऐसे झुटमुट का काम करते हैं? जैसे कि आप भी एक ईटानगर का सिटीजन है और हम भी एक सिटीजन है, और ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे पार्किंग का इशू है, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो और ये एक अच्छा स्पॉट है पार्किंग के लिए, बिकॉज ये एक सेंटर है जहाँ पे आपका टेम्पो, ऑटो और ट्रैकर जो है यहाँ पे स्टैंड करता है, तो वो लोग बीचों बीच रास्ता में कर देते हैं, तो प्रॉब्लम होता है यहाँ आना जाना करने वाला को। तो आपको नहीं लगता है कि ये जगह बहुत अच्छा है पार्किंग के लिए, इसीलिए करा जा रहा है ये चीज़? जो ये हम पार्किंग को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, पार्किंग चाहिए,
लेकिन आप कभी दिल्ली गया होगा, गुवाहाटी गया होगा, और कभी बड़ा बड़ा सिटी आप लोग तो पढ़ के आया है, देखे आया होगा, बड़ा बड़ा सिटी में ये टाउन में पार्किंग रखने का नॉट कंपल्सरी। इन लोग को दूसरा जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है, इन लोग को जगह दिया जा सकता है। पार्किंग के लिए हम लोग चिंता करके, ये पेट के लिए चिंता नहीं करेगा, हाँ ये लोग को चिंता नहीं कर सकता है। पार्किंग के लिए दूसरा जगह दिखा सकता है आराम से सरकार, क्यों आप ईटानगर में रहने वाला है, एक जगह एक सजेस्ट करके देखिए, इससे बेटर जगह कहाँ होगा, सरकार जानना है ना इसको, सरकार जानना है। अगर हम अगर सप्ताह में होगा तो हम पक्का बोलेगा, अगर हम हमारा पार्टी अगर ना कांग्रेस पार्टी अगर सप्ताह में होगा, मैं एक महीने में इसको कर देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सप्ताह में रहेगा, ये लोग कुछ पॉलिसी नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिर्फ गरीब लोग को दबाना है, गरीब लोग को दबाना है, दिखा नहीं सकने वाला सरकार क्या चलेगा। देखिए कानून सबका होता है ना, कानून सबके लिए होना है। हम मानते हैं कि आप इसको एविशन पार्किंग का के लिए आप करता है, वो हम सही मानता है, फिर भी आपको देखिए इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। इन लोग इतना मेहनत करता है, इनका वजह से आपका सरकार बनता है, इनका आपको बहुत देता है, इसलिए सरकार अब चलाता है ना। तो अब इनके लिए भी सोचना है ना, महिला के लिए, सबसे पहले महिला को थोड़ा देख देना चाहिए। ये देखिए तो सुना है, तो कोर्ट में भी देखा है, आपने उनको नोटिस नहीं दिया है, तुरंत उसको आके ये बर्बाद कर दिया, ये कहाँ तक सही है। हाँ पार्किंग हम लोग को कैपिटल में ज़रूरी है, लेकिन आप सरकार पार्किंग के लिए पहले क्यों नहीं सोचा। और आपने देखो बराबर उसमें जो है कि बराबर बिल्डिंग बना रहा है, तो उसमें आपको क्यों नहीं तोड़ा, आपको एविक्शन उनको करो ना, ये मंदिर को तोड़ो, जहाँ जहाँ में मंदिर को इसको, ये भी तो पार्किंग प्लेस पर हम लोग पार्किंग ज़रूरी है हम लोग का पास में। लेकिन आप इतना जो महिला जो इतना गरीब जो है, इतना तकलीफ हो के यहाँ में अपना बच्चा को पेल पत रहा है उसी से। आप मंत्री बैठने वाला, आप चेयरमैन बैठकर आपको चिंता नहीं होता है ना, आप यहाँ आके करके देखिए। ये आज मेरा जो दोस्त अभी बोला है कि ये तालोपोतम नहीं कर रहा है, ये कैपिटल डी सी नहीं कर रहा है, ये पीमा कंदू कर रहा है, ये बीजेपी सरकार आ रहा है। जब से बीजेपी सरकार आ रहा है हमारे कैपिटल में देखो ना इतना हादसा हो रहा है, आपने ये क्यों ठीक नहीं करते। हमारे हर जगह में जो अभी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ता जा रहा है, या विकास नहीं है, ट्रैफिक इतना ये है, तो उसको आप ठीक नहीं करते। अब छोटे छोटे कमजोर लोगों को क्यों ये कर रहा है, करप्शन कर रहा है यहाँ में, इतना करप्शन हो रहा है, इनको क्यों नहीं पकड़ता है, यहाँ में चोरी छुपे बहुत है। तो इसीलिए आप उसको चाहिए, इन लोग को करो, लेकिन इन लोग को थोड़ा समय दे दो, जगह दिखा दो उनको, इनको भी तो पेट चाहिए ना, आप भी तो पेट जरूरत है। हमको यहाँ में कुछ दिन जीने के लिए आया, कुछ जब क्राइम बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ता जा रहा है, या विकास नहीं है, ट्रैफिक इतना ये है, तो उसको आप ठीक नहीं करते। अब छोटे छोटे कमजोर लोगों को क्यों ये कर रहा है, करप्शन कर रहा है यहाँ में, इतना करप्शन हो रहा है, इनको क्यों नहीं पकड़ता है, यहाँ में चोरी छुपे बहुत है। तो इसीलिए आप उसको चाहिए, इन लोग को करो, लेकिन इन लोग को थोड़ा समय दे दो, जगह दिखा दो उनको, इनको भी तो पेट चाहिए ना, आप भी तो पेट जरूरत है। हमको यहाँ में कुछ दिन जीने के लिए आया, कुछ जब जिंदा है तो हम कुछ खाने के लिए आया, उन लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। तो उनको आप सरकार है तो उनके लिए तो आप देख दो, ये कर देना, हम लोग सरकार से अपील है आप इनका जगह देख दो, अगर ये होता है तो। ये मैं हमारा मांग है, ये हम लोग का जो यहाँ एक प्रदेश की एक नागरिक होने के नाते बस उतना भी।